सो गाइस, इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं 3D ग्लास लोगो इन फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो एक टेक्स्ट जो है आप ले लो, शॉर्टकट की है ठीक, और टेक्स्ट लिख लो। उसके बाद हमें जो है राइट क्लिक करके टेक्स्ट के लेयर के ऊपर रेस्टराइज करना है उसको, एंड यहाँ पे मार्केट टूल से जो है सिलेक्शन करना है, एंड लेयर वाया कॉपी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक नया लेयर पे जो है उसकी कॉपी बन जाएगी उस आर लेटर की। ओके, सो उसका रीनेम कर देता हूँ। सेम आगे जो है ए लेटर का भी हमें सिलेक्शन करना है मार्केट टूल से, एंड लेयर वाया कॉपी करके नए लेयर पे ये सिलेक्शन हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। एंड थर्ड वाला जो एम रह गया है उसको रीनेम कर देते एम। ओके, तो यहाँ पे मैं राम नाम का जो है लोगो क्रिएट करने वाला हूँ एक सिंपल इसमें। ओके, यहाँ पे मैं अभी एक सर्कल सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि एलिप्स टूल। ओके, उसके मदद से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एलिप्स टूल की मदद से। एंड यहाँ पे फिल जो है मैं रख देता हूँ जी, मतलब उसका फिल की वैल्यू जो है निकाल देता हूँ, नो कलर। और स्ट्रोक इसमें कलर में रख देता हूँ, स्ट्रोक की वैल्यू जो है बढ़ा देता हूँ। इसकी जो साइज़ है अकॉर्डिंग टू योर लेटर का जो वर्ड्स है उसको थोड़ा सा मिलता जुलता रखिए, सो थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे मैंने इसलिए येलो कलर लिया कि दिख सके ए और जो सर्कल के बीच वाला कुछ गैप रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये शायद परफेक्ट मैच जो है हो गया है। ओके, सो हम स्ट्रोक जो है अभी ब्लैक कलर में कर देते हैं। एंड यहाँ पे एलिप्स टूल जो लेयर थी उसके ऊपर राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर देते इसको भी। एंड यहाँ पे अभी रेक्टेंगुलर एक शेप क्रिएट कर देते, इसकी साइज़ भी हमें सेलेक्ट करनी होगी। सो यहाँ पे मैं लिख गया था ऊपर एम का जो एक निचला हिस्सा है उसके ऊपर लगा के देख लेता हूँ, एंड दिस इज ओके, सेलेक्ट कर लो इसको। एंड यहाँ पे इसको या आप चाहे तो पेन टूल की मदद से भी जो है शेप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे शॉर्टकट किए, शॉर्टकट लिया मैं जो है क्रिएट किया है रेक्टेंगुलर टूल की मदद से, क्योंकि ये हिस्सा जो है मैं कट करना है, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा। सो जस्ट अभी ये रेक्टेंगल जो शेप है उसको सिलेक्ट करो, और इसको भी पहले तो रेस्टराइज करो राइट क्लिक करके। ओके, एंड अभी यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन टूल की मदद से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करके जो है एक क्लिक कर देता हूँ, तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। ओके, सो हमें अभी एलिप्स टूल जो लेयर है उसको सिलेक्ट करना है। ओके, और डिलीट प्रेस करना है। सो ये जो हमने शेप सिलेक्ट किया था उसको उस लेवल में डिलीट हो जाएगा नीचे की, बाद में डी सिलेक्ट कर लो कंट्रोल डी की मदद से। सेम मैं यहाँ पे भी ए में थोड़ा कट लगा देता हूँ, सेम फॉर्मूला जो है फॉलो करेंगे, कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करके जो है क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन ले लेगा, एंड जो भी इस लेटर के ऊपर से डिलीट करना है उस लेटर को, मतलब उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो जो है वहाँ से डिलीट हो गया है। बाद में जो हमें रेक्टेंगुलर जो शेप था उसकी ज़रूरत नहीं, तो उसको डिलीट कर देंगे। अगर डोंट वरी, आप यही अगर पेन टूल की मदद से भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ गया है देख सकते हो, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से शेप में से ये सिलेक्ट किया। ओके, यहाँ पे पहले तो हमें रेस्टराइज करना है, देन कंट्रोल प्रेस इंटर कर दिया, सिलेक्शन हो गया, एंड डिलीट प्रेस किया, डिलीट की जो है हमारे कीबोर्ड के ऊपर की। ओके, देन कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन, और डिलीट कर दो उस लेयर के ऊपर, देख सकते हो यहाँ पे जो है निकल गया। ओके, सो पेन सिलेक्शन, जब आप कोई नया शेप क्रिएट करना हो तो बहुत सारे टूल्स है हमारे पास फोटोशॉप में, सो उसका कोई भी टूल्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अभी काफ़ी ठीक है। सो अभी मैं इसको जो है एक ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। सो राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ग्रेडियंट कलर जो है आप अपने हिसाब से कोई भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पे मैं देख सकते हो मेरी कलर की वैल्यू जो है ब्लू है, लाइट ब्लू जो है सिलेक्ट किया हो, एंगल 90% रख देता हूँ। ओके, एंड इट प्रेस ओके। सेम इसको जो ग्रेडियंट हमने अप्लाई किया वो कॉपी करने के लिए जस्ट अल्ट प्रेस एंड होल्ड करके जो है ऊपर लेयर के ऊपर ड्रैग करते जाओ, तो सेम जो है मतलब कलर का जो है कॉपी होते जाएगा उस लेयर के ऊपर। एक शॉर्टकट है, आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आज तो आपने देख लिया होगा। सो यहाँ पे मैं आपको अगर कोई कलर चेंज करना होगा तो सीरियसली आप ग्रेडियंट उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये खाली हमारा एक लोगो टाइप तैयार हो गया। सो
राम इंडस्ट्रीज, अभी आप जो भी है लिख सकते हो। ओके, उसको हम कलर भी देंगे, और पहले तो सेंटर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं उसको। ओके, एंड देन यहाँ पे इसको चाहे तो ग्रेडियंट कलर दे सकते हो, चाहे तो अभी यहाँ पे मैं वाइट कलर दे देता हूँ, या तो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए सेम अल्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखो एंड ड्रैग करो, ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा जो आपका वही। अगर ग्रेडियंट चाहिए तो चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके। ओके, और भी कुछ ऑप्शन है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो आपको करना होगा तो। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं चेंज करना चाहो तो ऐसा कुछ रख सकता हो, बट हमेशा याद रखना कलर जो है सिलेक्शन बहुत आपका यूनिक होना चाहिए, सो डिज़ाइन जो है खुल के आएगा। ओके, हम सीख रहे हैं आप और मैं दोनों, सो डोंट वरी, होता है थोड़ा टाइम लगेगा बट सीख लेंगे। अभी यहाँ पे मैं और भी कुछ लिख देता हूँ, ये आपके लिए, फॉलो फॉर मोर वीडियोस। ओके, ज़रूर करना अगर कुछ भी नया सीखने मिला तो, इसमें कोई आपका कुछ जाता नहीं है, जस्ट एक आप मेरी मदद कर रहे हो, सो और मैं आपके, और बाकी बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा इस चैनल पे ऊपर। एंड यहाँ पे मैं इसको ओके सॉरी, ग्रेडियंट अप्लाई तो वाइट कलर नहीं होगा, सो ग्रेडियंट को पहले ऑफ करना होगा एंड देन वाइट अभी हो गया। ओके, इसको सबको सिलेक्शन करके हमें एक ग्रुप में डाल देते हैं, ये मेसी हो जाता है, सो जस्ट शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखो एंड सिलेक्शन करो ऊपर वाले नीचे लेयर दोनों, एंड कंट्रोल जी प्रेस करो, ग्रुप में हो जाएगा। अभी हमें जो एक, मैं आपको जो है इसका डाउनलोड लिंक जो है नीचे दे देता हूँ, ये ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है, एक वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, सो उसका लिंक आपको दे देता हूँ। चाहे तो वेबसाइट का अगर लिंक मिला तो वो भी मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो यहाँ पे हम लोग उसको लेके आएंगे एंड इसकी साइज़ एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो है एक स्क्वायर में। ओके, और जो पीछे वाला है फिलहाल रहने दो, एक बार साइज एडजस्ट कर लो एंड उसको डिलीट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे दिख रहा है तो उसको हाइड भी कर सकते हो या डिलीट कर दो डायरेक्ट से लेकर, एंड यहाँ पे कंट्रोल एस दबाना है मतलब सेव करना है, सो ऑटोमेटिक ये जो है सेव हो जाएगा। मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ हल्का सा। ओके, एंड अप्लाई कर लो यहाँ पे, अगर पूछेगा तो, किसी को सुनना है पूछेगा डायरेक्ट भी आप सेव होते हैं यहाँ पे दिखाई देगा, एक ग्लास इफेक्ट भी आ गया है एंड लोगो तैयार हो गया है। इसमें आप ग्रेडियंट अगर दूसरा रहता तो दूसरे कलर में आ जाता। ओके, सो मेरा ब्लू ग्रेडियंट था इसलिए ये कलर में आ गया, एंड यहाँ पे देख सकते हो ये बनाया हुआ किसी ने PhD है उसको हम लोग यूज़ किया हुआ यहाँ पे। एंड दैट्स ऑल, ऐसे कुछ अमेजिंग वीडियो मुझे फॉलो करना मत भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय।